सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जीएसटी का, जिसमें हम लोग बेसिकली जीएसटी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो हम लोग वैसे अकाउंटिंग जब हमने टैली पढ़ा था ना, तब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। तो आज हम यही सिर्फ डिस्कस करेंगे कि जीएसटी है क्या, जीएसटी कब आया, कैसे कैसे आया, क्या फायदे क्या नुकसान, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो पहले क्या है, हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या होते हैं, जीएसटी कैसे कैसे किस टाइम पे कितना कैसे आ रहा था इंडिया में, जब आ रहा था तो उसकी जनरेशन कैसे हो रही थी, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी क्या है, नीड ऑफ जीएसटी क्या थी, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, बेनिफिट ऑफ जीएसटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविजन, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। पहले बात तो बात डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लास्ट क्लास में भी, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन जिस बंदे के ऊपर है वही उसे गवर्नमेंट को लेके जा रहा होता है और जमा करने के लिए, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स वो लगता है किसके ऊपर, पर्सन के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिसके ऊपर पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने कहा है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ द टैक्स बोर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ, मतलब जो जिसके ऊपर बर्डन आ रहा है वही उसे पे करेगा गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर देते हैं, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन, मतलब मान लीजिए मैंने टैक्स दिया, उस बर्डन को मैंने फिर आगे शिफ्ट करा, फिर आगे शिफ्ट करा, फिर फाइनली वो कंज्यूमर के ऊपर जाकर के पूरा भार पड़ता है, ठीक है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मान लीजिए मैंने एक पेन खरीदा, आज मैंने पेन खरीदा तो मैंने उसका टैक्स बर्डन मेरे पर आया, मैंने उसका टैक्स जमा करा, फिर मैंने उसे आगे बेचा तो उसका बर्डन मैंने आगे वाले बंदे पर शिफ्ट कर लिया, उससे टैक्स ले लिया, तो उसने फिर आगे बेचा तो उसने आगे शिफ्ट कर दिया, तो वो टैक्स का बर्डन जो होता है वो आगे शिफ्ट होता रहता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। इसके बाद हाँ, तो हम फीचर्स पे बात कर रहे थे, फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। दूसरी चीज है क्या, टैक्स जो ये टैक्स होता है वो कमोडिटी या सर्विसेज पे लगता है, शिफ्ट मतलब इसका जो बर्डन होता है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब हम इसका बर्डन जो होता है आगे वाले बंदे पे शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब जैसे आज मैंने कोई सामान खरीदा तो उसका बर्डन मेरे पर आया, मैंने उसे आगे बेचा तो मैंने आगे वाले बंदे पे बोला भाई वो टैक्स आप मुझे दोगे। जैसे मान लीजिए एक पेन मैंने खरीदा 10 रुपए का, उसके ऊपर मैंने 2 रुपए का टैक्स दिया तो मेरे को 12 रुपए का पड़ा, मैंने उसकी कीमत करी 15 रुपए, 15 रुपए मैंने उसे बेचा और उसके ऊपर मैंने आगे से टैक्स लिया 5 रुपए, तो मैंने वो जो 2 रुपए टैक्स लिया था उसका बर्डन भी मैंने सामने वाले आगे वाले पार्टी पे डाल दिया और वो उसने आगे बेचा तो उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच होता है, इन्फ्लेशनरी होता है, मतलब रेट बढ़ते रहते हैं इस पे कम्युनिटी में, वाइडर टैक्स बेस है, प्रमोट सोशल वेलफेयर, मतलब हाई टैक्स आर इम्पोज ऑन द कंजम्पशन ऑफ द हार्मफुल प्रोडक्ट, मतलब जितना ये सोशल बेनिफिट्स के लिए ज्यादा होता है प्रमोट करता है, जितना प्रोडक्ट खराब होगा जो हार्मफुल होता है कंजम्पशन के लिए उस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, जैसे तंबाकू प्रोडक्ट, तंबाकू पे सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है उसे महंगा करने के लिए, तो सोशल बेनिफिट के लिए भी है कि भाई कोई प्रोडक्ट जो होता है वो सस्ता ना बिक जाए, तो इसलिए ये काम भी करता है। रेगुलेशन इन नेचर, जनरली द इनडायरेक्ट टैक्स हैज रेगुलेशन इन नेचर, द रिच एंड द पुअर हैज पे द सेम, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर कोई पेन है, एक पेन की जो कीमत है या एक कार की जो कीमत है, जिसपे जो भी उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है वो पुअर भी वही देगा और रिच पर्सन भी वही देगा, तो रेगुलेशन इन नेचर होता है। अगर हम जेनेसिस ऑफ जीएसटी बात करें कि मतलब कैसे कैसे ग्रो करा है, कैसे कैसे आया, तो हम इन शॉर्ट इसे पढ़ सकते हैं। देखो कैसे हम बात करते हैं, इन द ईयर ऑफ 2000 ईयर में क्या हुआ था, 2000 ईयर में ये इंट्रोड्यूस, देन द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेटअप अ कमिटी, कमिटी टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल ऑफ द कंट्री, मतलब 2000 में क्या हुआ था, देखो 2000 से आना स्टार्ट हो गया था, 2000 में इंट्रोड्यूस हो गया था, प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस कर दिया था इसका कॉन्सेप्ट और ये चीफ कमिटी एक बनाई गई और जो जीएसटी मॉडल को डिजाइन करने लगी। 2006 में आते आते 2006 में फिर क्या हुआ, अनाउंसमेंट ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग बजट ऑफ 2006-07 दैट जीएसटी वुड इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010, मतलब 2006 में जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस करा कि भाई ये जो 1 अप्रैल 2010 से आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन ये आया नहीं। द
फिर 2010 में नहीं आया तो 2014 में फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया, 122 सेकेंड अमेंडमेंट हुआ, बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, जीएसटी का एक अमेंडमेंट पास किया गया 122nd, ठीक है ना। उसके बाद 2016 अगस्त में द कॉन्स्टिट्यूशन 1101 अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड, मतलब उसके बाद वो इनेक्टेड हुआ। 2016 में एक और अमेंडमेंट एक्ट हुआ। सितंबर में जाकर के एक काउंसिल मीटिंग बनी, काउंसिल मीटिंग हुई, फर्स्ट काउंसिल मीटिंग हुई जिसमें डिस्कशन हुआ कि भाई जीएसटी में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। उसके बाद 2017 में जाकर के, 2017 में जाकर जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड सीजीएसटी, मतलब जीएसटी काउंसिल ने ये बोला कि सीजीएसटी एक होना चाहिए, एसजीएसटी, एक आईजीएसटी, यूटीएसजीसी एंड कंपनसेशन सेस बिल, ये सब चीजें रिकमेंड करें कि भाई ये सब चीजें होनी चाहिए सर। अप्रैल 2017 में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीएसजीसी एंड कंपनसेशन एक्ट पास हो गया, मतलब ये जो रिकमेंडेड किया गया था उसको पास, जो वो पास हुआ वो नेक्स्ट मंथ में जाकर के पास हो गया। उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ में फिर क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड ऑल द रूल्स, मतलब उसके बाद सारे के सारे रूल्स को रिकमेंड किया गया कि भाई ये सब चीजें, ये रूल्स हमें लगाने चाहिए। फिर जून के महीने में क्या हुआ, ऑल स्टेट एक्सेप्ट, मतलब जेएनके को छोड़ करके जेएनके देयर स्टेट एक्ट, मतलब उसका जेएनके में बोला गया कि उसके उसमें जो जो एक्ट लगता है स्टेट का वही लगेगा, इसको छोड़ करके सब जगह पे पास कर दिया गया। 1 जुलाई में जाकर के वो लॉन्च कर दिया गया, तो इसका मतलब है जेएनके में कोई अप्लाई नहीं हो रहा था 1 जुलाई में। लेकिन 8 जुलाई को एक रूल आया, सीजीएसटी पास बाय जेएनके, जेएनके ने पास करा सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड टू एक्सटेंड जीएसटी टू जेएनके, मतलब जेएनके में भी जाकर के वो पास होने लगा। तो मतलब 2000 से लेकर के 2017 तक की जर्नी थी जो जीएसटी की यहाँ पे फॉलो हुई। 2000 से लेकर 2017 तक ये पूरा आता गया, इसमें कुछ कुछ चेंजेस होते गए, इसमें कोई भी चीज रिकमेंडेशन आती रही, काउंसिल बनती गई, फाइनली जाकर के 1 जुलाई में अप्लाई हुआ, 8 जुलाई को जाकर के जेएनके में भी अप्लाई हुआ। तो ये इसकी जर्नी थी, ठीक है। इसके बाद आखिर कॉन्सेप्ट, मतलब जीएसटी है क्या, जीएसटी के बारे में बेसिकली अगर हम पढ़े, पहले बिफोर वी प्रोसीड विद द फाइनल नुएंसेस ऑफ इंडियन जीएसटी, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का कॉन्सेप्ट तो देख ले पहले, वो है क्या, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब ये बेसिकली वही है जैसे पहले हुआ करता था कि किसी मैन्युफैक्चरर से हमने सामान खरीदा, उसने टैक्स हमसे चार्ज करा, भाई किसी मैन्युफैक्चरर से मैंने सामान खरीदा, उसने मुझसे टैक्स चार्ज करा, मैंने अपने उसमें कुछ वैल्यू ऐड करी, प्रॉफिट का मार्जिन, और उसे उस पर टैक्स लगा करके आगे बेचा, वैसे चलता था, ये होता था वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब जो आप जो बंदा पीछे से खरीदता जा रहा है उसकी जो वैल्यू एड होती जा रही है उस वैल्यू पे टैक्स चार्ज होता रहेगा, गवर्नमेंट को जमा होता रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट अभी भी चलेगा, ये जीएसटी भी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। मैंने किसी से कोई सामान पीछे से खरीदा, उसमें मैंने अपनी वैल्यू एड करी, फिर मैंने उसके ऊपर टैक्स चार्ज करा, फिर सामने वाले ने बेचा, अपनी वैल्यू एड करी, फिर उसने टैक्स चार्ज करा, तो जो वैल्यू एड होती रहेगी उस पर टैक्स चार्ज होता रहेगा, मतलब मैन्युफैक्चरर सेल करेगा कंजम्पशन तक टैक्स होता रहेगा। जीएसटी कंटिन्यूस चेंज ऑफ टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, जैसे मैन्युफैक्चरर से मैंने रिटेलर ने सामान खरीदा तो परचेज होगी रिटेलर के लिए, तो उसने जो टैक्स उसको पे करा है उसका वो क्रेडिट ले सकता है जब वो आगे बेचेगा, और उसी तरीके से अगर वो सामने आगे वाला बंदा भी किसी को सामान बेचता है तो उसने जो टैक्स पीछे दिया है उसका क्रेडिट ले सकता है, मतलब फाइनल एंड तक कंटिन्यूस चेंज ऑफ टैक्स चेंज क्रेडिट, मतलब आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, पीछे जो टैक्स आपने दिया है फाइनली वो बर्डन जो जाएगा वो पूरा पूरा जाएगा कंज्यूमर के ऊपर, बाकी सब अपना अपना क्रेडिट देते रहे। इसमें कोई दिक्कत है, ये समझ में इस पॉइंट में किसी को कोई समझ में दिक्कत आती है? हेलो, नो सर, ये वाली बात समझ में आ जाती है, क्या बोलना चाह रहा था? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ये वाला पॉइंट। सर ये आईटी से जैसा हो गया ना, है आईटीसी हो गया ना एक तरह से, ये भी हाँ बिल्कुल आईटीसी हो गया। देखो क्या हुआ, इसमें फिर से समझ लो एक बार, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए मैंने मैन्युफैक्चरर है उसने कोई प्रोडक्ट बनाया 100 रुपए का, ठीक है ना, और उसने मुझसे जीएसटी चार्ज करा 10 रुपए, तो मुझे उसने सामान बेचा 110 रुपए का, ठीक है ना, मेरे को जो सामान रिटेलर को सामान जो पड़ा वो 110 रुपए का पड़ा, तो मतलब मेरे रिटेलर के लिए ये सामान जो पड़ा है वो 110 रुपए का पड़ा है, मतलब उसने जो इस बंदे ने इसे पैसे दिए 110 रुपए दिए, जिसने 100 रुपए तो मैन्युफैक्चर रख लेगा, 10 रुपए गवर्नमेंट को जमा हो जाएंगे।
अब इस रिटेलर ने आगे किसी रिटेलर को बेचा या होलसेल, या हो सकता है ये वाला आदमी से कंसीडर करते हैं ये होलसेलर है, होलसेलर है, ये होलसेलर है, होलसेलर से फिर सामान किसने खरीदा, रिटेलर ने खरीदा। अब इस होलसेलर ने अपना टैक्स जमा करा तो इसने 150 उसकी कीमत करी प्लस उसमें टैक्स चार्ज करा 50 रुपए, ठीक है, और इसको सामान को बेचा 100 या 200 रुपए का, मतलब क्या है 200 रुपए का। अब इसने टैक्स कितना जमा करा जो होलसेलर है, इसने इसने क्लाइंट से कितना टैक्स लिया 50 रुपए लिया। अब गवर्नमेंट को इसे 50 रुपए जमा करने है, लेकिन इसने पीछे 10 रुपए टैक्स दे रखे थे, तो गवर्नमेंट कहती है कि इस टैक्स का क्रेडिट ये ले सकता है, तो ये इसमें से इसे माइनस करेगा, 10 रुपए में से इसे माइनस करेगा और जो टैक्स बचेगा वो गवर्नमेंट को जमा करेगा, दैट इज क्रेडिट लेना। मतलब होलसेलर ने पीछे जो टैक्स जमा करा था वो अपने जो आउटपुट टैक्स है उससे क्रेडिट ले लिया और उसे माइनस कर दिया, और ये किसे भेज दिया, रिटेलर को भेज दिया। अब रिटेलर ने मान लीजिए आगे किसी को बेचा, रिटेलर ने आगे किसी को बेचा, तो मान लीजिए उसने कंज्यूमर को बेचा, तो उसने 200 रुपए का खरीदा, मान लीजिए उसने उसकी कीमत कर दी, इसकी इस प्रोडक्ट की कीमत कर दी 170 रुपए, 170 प्लस इसने भी टैक्स चार्ज करा, तो इसने टैक्स चार्ज करा 70 रुपए और इसकी कीमत कर दी इसने 240 रुपए, 240 रुपए उसने कंज्यूमर को बेच दिया। अब जब इसने कंज्यूमर को बेचा तो अब जो ये रिटेलर है, ये जो रिटेलर बंदा है, इस बंदे ने टैक्स कितना लिया क्लाइंट से 70 रुपए और ये पीछे कितने दे चुका है 50 रुपए, तो अब ये 70 रुपए में से 50 रुपए माइनस कर लेगा और जो बचेगा वो गवर्नमेंट को जमा करेगा, मतलब इस 50 रुपए का क्रेडिट वो ले लेगा जो पीछे उसने दिया। तो कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ टैक्स क्रेडिट है, मतलब जो भी आगे पीछे वाला बंदा जो जिससे भी सामान आप खरीद रहे हो उससे वो क्रेडिट लेता रहेगा, वाला जो पीछे टैक्स दिया है, फाइनली जो बर्डन पूरा पूरा 70 रुपए का गया, पूरे टैक्स का जो बर्डन गया है वो किसके ऊपर गया, कंज्यूमर के ऊपर गया जो फाइनली कंज्यूम करेगा उसे। आया समझ में या फिर दिक्कत है? यस सर। क्या नाम है, शीतल, आपने पूछा था ना? यस सर, आगे समझ, आगे समझ। तो अब नेक्स्ट करते हैं। yes, sir. देखो नेक्स्ट है आपका बर्डन बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। मैंने आपको बता दिया जो भी पूरा बर्डन आएगा टैक्स का वो कौन बर्न करेगा, बेयर करेगा, वो फाइनल कंज्यूमर करता है, पूरा बर्डन उसके ऊपर जाता है, क्योंकि वो आगे क्रेडिट ले नहीं सकता, उसने कंज्यूम करा तो पूरा बर्डन उसके ऊपर जाता है टैक्स का। फिर आता है नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स टैक्सेशन। नो टैक्स कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेशन का मतलब समझ में आता है? मैंने आपको बताया था टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट लगता था, तो उस केस में क्या होता था, जो पीछे आपने पीछे जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह दे रखी होती है उस पे भी टैक्स देना पड़ता था। मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो कैस्केडिंग इफेक्ट हमारा खत्म हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स, पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। कैसे लगता था, अगर हम ये बात करें कि पहले क्या हुआ करता था, तो पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए की चीज है, उस पे पहले क्लाइंट, अगर गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो इंडिया में करते हो तो आपको सामने वाले पार्टी से एक्साइज ड्यूटी लेनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, तो पहले क्लाइंट हमसे एक्साइज ड्यूटी भी लेता था और वैट भी लेता था, और हमें जो प्रोडक्ट बनता था वो पड़ा था 12,45,000 रुपये, मतलब 12% एक्साइज ड्यूटी, वैट लिया उसने 1,25,000 रुपये, तो 12,45,000 रुपये का हमें पड़ता था। वैट कब लिया जाता है, जब हम विद इन स्टेट सामान बेचते थे तब वैट लिया जाता था, तो दोनों चीजें हम मैन्युफैक्चरर हमसे चार्ज करता था तो हमें पैसे देने पड़ते थे 12,45,000 रुपये। अब क्योंकि वो डीलर के पास वो प्रोडक्ट आ चुका है, अब डीलर जो आगे सामान बेचेगा वो जब वो सामान बेचेगा तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट ट्रेडिंग कर रहे हो बेच रहे हो तो उस पर वैट लोगे, आपको मैन्युफैक्चरिंग लेने की आपको एक्साइज ड्यूटी लेने की जरूरत नहीं है, आप एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं करोगे कस्टमर से। तो इसका मतलब है जो चीज मैं चार्ज नहीं कर सकता, जो चीज मैं ले सकता हूँ वो तो मेरा खर्चा ही नहीं है, इसका मतलब जो वैट जो मैंने पीछे वैट दिया वो तो मैं आगे रिकवर कर लूंगा, ठीक है ना, लेकिन जो मैंने पीछे एक्साइज ड्यूटी दी वो रिकवर नहीं करता, इसके लिए मैं उसे हम अपना खर्चा का हिस्सा बना देता हूँ। मैं मेरे से अगर कोई पूछता था कि मेरे पास ये जो मैंने कॉस्ट खरीदी थी मेरे से कितने की पड़ी, तो मैं बोलूंगा 10 लाख + 1,20,000 ये वाली वैल्यू, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो वैल्यू पड़ी है मेरे को ये, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 12,45,000 की मेरे पास खर्चा आया, मैं बोलूंगा कि मेरा खर्चा हुआ है 11,20,000 रुपये का, 11,20,000 रुपये का खर्चा हुआ है। कैसे, 10 लाख रुपये ये और 1,20,000 रुपये ये, तो 11,20,000 रुपये का ये खर्चा हुआ है। इसमें मैंने अपना प्रॉफिट का मार्जिन जोड़ा 80,000 रुपये, 80,000 रुपये जोड़ करके जैसी वैल्यू मैंने जोड़ी तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 12,00,000 रुपये। मैंने अपना 12,00,000 रुपये कीमत कर दी और जिस कस्टमर को मेरे को बेचना था उसे मैंने 12.5% उसपे वैट चार्ज करा और उसे बेच दिया 13,50,000 रुपये। तो ये तो पहले होता था। अगर मैं इसमें गौर फरमाऊँ तो ये जो 12.5% जो मैंने GST चार्ज करा है वो मैंने 12,00,000 के ऊपर करा है। इस 12,00,000 रुपये के
अमाउंट, ये जो वैल्यू है इसके अंदर ये 1,20,000 पे भी जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर 1,20,000 पे जुड़ रखा है, तो इसका मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स चढ़ गया, मतलब 12.5% इस टैक्स के ऊपर भी लगा है। तो इसे बोलते हैं कैश कैरिंग फैक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स चल जाता, पहले चार्ज हो जाता था, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट की कीमत इतनी हो गई। अब क्या होगा, अब क्या है कि हमने कोई 10,00,000 रुपए की कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसमें हमने 90,000 पे यहाँ पे टैक्स दिया, 90,000 पे सीजीएसटी दिया, 90,000 पे एसजीएसटी दिया, ठीक है, तो 11,80,000 रुपए हमने दे दिया। तो क्योंकि जो क्योंकि मैं जीएसटी आगे रिकवर कर सकता हूँ, अब तो एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं करना, तो अब जब मैं आगे सामान बेचूंगा तो मैं जीएसटी रिकवर कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है ये मेरा खर्चा नहीं है जो चीज मैं रिकवर कर, तो मेरा खर्चा कितना है 10,00,000 का। इसमें मैंने सेम जैसे पहले प्रॉफिट जनरेट करता था 80,000 रुपए का, आज मैंने वही जोड़ा और इसकी कीमत कर दी 10,80,000 रुपए, और इसमें 9% क्या करा मैंने जीएसटी एसजीएसटी चार्ज करा, इसकी कीमत कितनी होगी 12,75,400। अब देखो एज कम्पेयर टू अर्लियर रिग्मा, अगर हम ये देखें तो अब इसके कंपेरिजन में 75,600 का कस्टमर को फायदा है, 75,600 का फायदा है क्योंकि वो सस्ता बिक रहा है। क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कैश के डिफेक्ट, क्योंकि पहले टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा था, अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो ये हमारा फायदा हो गया। ये होता है कैश के डिफेक्ट, जो हमें अब देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है।